हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल द साउंड यू लव में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि मुझे यूट्यूब से मेरा पहला पेमेंट मिल चुका है। ठीक है, तो काफ़ी समय लगा इसमें, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में। 19 अप्रैल 2020 को मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए जब मैं अपने पहले पेमेंट तक पहुंच पाया। लेकिन कोई नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फोकस होके काम नहीं कर पाता हूँ और मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच सका। तो बेसिकली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, है ना, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं जो YouTube पे काम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद 1 महीना 2 महीना काम किया लेकिन फिर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बोलते हैं भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कभी पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो जैसा कि आपको पता है, YouTube एक लंबी जर्नी है। पहले स्टार्टिंग में ही 1000 सब्सक्राइबर्स करने पड़ते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर लगातार वीडियोस बनाने पड़ते हैं और उसके बाद जब आपका एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड कंप्लीट हो जाता है तब जाके आप पहला पेमेंट तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा कि मैं यहाँ तक पहुंचा। और बेसिकली मैं अपने उन सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ, उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि बचपन में आप सभी लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, कि खरगोश पहले तो बहुत तेज़ी तेज़ी भागता है आगे और आधे रास्ते पे जाके वो सो जाता है। ठीक है, जब वो सो जाता है तो फिर वो सो के उठता ही नहीं है, और इतने में कछुआ धीरे धीरे चलता चलता उसको पीछे भी छोड़ देता है और रेस जीत भी जाता है। तो कहानी का कंक्लूज़न ये है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हालांकि आजकल के समय में ये कहानी बहुत सही नहीं है, आजकल के टाइम में की कहावत है फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन इस यूट्यूब के मामले में ये कहानी सही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और अगर आप धीरे धीरे काम करते रहते हो, है ना, तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलती है। और आज वही मोमेंट है जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए यूट्यूब से, लेकिन मतलब मैं खुश हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मैंने जो एक जर्नी स्टार्ट की थी एटलीस्ट उसकी एक शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाके भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे मतलब मुझे अपना पहला पेमेंट मिला, पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं, बाकी की बातें लैपटॉप के स्क्रीन पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एडसेंस का अकाउंट लॉगिन करेंगे। एडसेंस आपको बता दूँ, वो अकाउंट होता है जहाँ पे आपकी यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो आपके एडसेंस के अकाउंट में एक तरीके से कह सकते हैं डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है,
और वहाँ से एडसेंस के अकाउंट से फिर आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो जब आपका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अपना एडसेंस का अकाउंट पर लॉगिन कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, इसको लॉगिन होने देते हैं। ये एडसेंस का अकाउंट खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पेमेंट्स का, कई सारे ऑप्शन है, पेमेंट्स पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, व्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं और ये देखिए आप नवंबर की डेट में आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेरे अकाउंट में वायर ट्रांसफ़र के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है नवंबर 21 को। अभी मैं आपको अपने जीमेल के अकाउंट पे लेके जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो मेल्स वगैरह आई थी वहाँ से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ में। और ये दूसरा अकाउंट खुल गया मेरा, मैं दूसरा अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। मेरा जो ईमेल बैंक से मेरे लिंक है वो उस पर ले आके दिखाता हूँ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा जो अकाउंट ईमेल बैंक से मेरे लिंक है उसमें लॉगिन करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेट अ सेकंड। लॉगिन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है जो मैंने इसमें ऐड कर रखा है वो IDFC बैंक में है। तो IDFC से कुछ मेल्स आई थी मेरे पास, वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये कहाँ गई, ये नीचे एक मेल आई है, एक सेकंड, हाँ ये वाली मेल है, एक ये चेक करिए। इसमें देखिए मेल आई है 23rd of November को, 21st November को दिखा रहा है, वहाँ से पेमेंट भेजा क्या था। 23rd November को मेरे पास ये मेल आई है। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ ये देखिए IDFC बैंक के कस्टमर केयर से मेरे पास ये मेल आई है। ठीक है, कि मेरे पास इनवर्ड रेमिटेंस आया है। ठीक है, कितने डॉलर का आया है वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके तहत मैं आपको ये नहीं दिखा सकता कि कितने डॉलर का पेमेंट आया है, लेकिन आया है। ये दूसरी मेल भी आप देख सकते हैं, एक और आई है। एक और भी मेल आई थी, वो मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, इस मेल में नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक तो मेरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, कस्टमर नेम, कस्टमर रेफरेंस, ये एक PDF भी अटैच है। इस PDF को ओपन करेंगे। अच्छा, इसका भी पासवर्ड डालना पड़ेगा, वेट अ सेकंड। पासवर्ड डालता हूँ मैं। तो दोस्तों ये PDF मैं आपको दिखाना तो चाहता था, लेकिन एक्चुअली इसमें सारी बैंक की पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं और ठीक है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं इसको आपको नहीं दिखा सकता, तो माफ़ी चाहूँगा। पर इसमें सारा कुछ मेंशन है कि कौन सी डेट को ये पेमेंट भेजा गया है। ठीक है,
और ये गूगल एशिया पैसिफिक की तरफ से पेमेंट आया है, मतलब गूगल एडसेंस से जो पेमेंट आता है, तो उसमें मेंशन है रेमिटर नेम गूगल एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल आपको बता ही दी है, दिखा भी दी जितना पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। ये मेल में सारा डिटेल दिया हुआ है मेरा, ठीक है, जो कस्टमर नेम है, कस्टमर रेफरेंस नंबर है, कौन सी डेट को भेजा गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना प्रूफ मेरे ख्याल से बहुत है दिखाने के लिए, और कोई यूट्यूबर इतना भी नहीं दिखाता। मैंने काफ़ी चीज़ें शो कर दी इसमें आपको, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं दिखाना चाहता था अपने दोस्तों को, भाइयों को, कि यूट्यूब पे अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलता है। ठीक है, और धीरे धीरे काम करते रहना पड़ता है तो ही आपको सफलता मिलेगी इसमें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इसमें लखपति करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन यह है कि धीरे धीरे अगर आप काम करते रहेंगे, वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, तो लोग उसको पसंद करेंगे और आपको पास व्यूज़ आएंगे और अच्छी एक अर्निंग का ऑप्शन है। तो जो भी मेरे भाई लोग बीच में अटक जाते हैं, पहले तो चैनल को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं, कुछ एक दो महीना करते हैं, फिर उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन सभी भाइयों को मेरा ये है कि आप काम को बंद ना करें और काम करते रहें, धीरे धीरे करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फिर से मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आगे भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह मुझे चाहिए है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि वो अपना यूट्यूब चैनल बना के और उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर लव, बाय बाय एंड टेक केयर।